हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया बढ़िया हो तो बताओ, थोड़ा उस कमेंट बॉक्स में से पता चले ना कि ठीक ठाक है, नहीं कि हाल चाल है। गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हो आप? तक ऑडियो एंड वीडियो क्लियर पहुंच पा रहा? नहीं पहुंच पा रहा, पहले तो ये बता दो। सबसे पहले अपने काम की चीज़ यही है कि ऑडियो वीडियो ठीक है, इसका मतलब सब कुछ बढ़िया है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बस 2 मिनट रुक जाओ, फिर हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं, तब तक बाकी सब लोग लाइव हैं, वो हो जाएंगे। गाइस, एक तो क्लास का टाइम देने के बाद भी मैं खुद लेट आया हूँ, उसके बावजूद भी आप लोग अभी तक टाइम पे नहीं हो, मतलब ऐसा कैसे काम चलेगा ये बताओ। एग्ज़ाम एक साइड नज़दीक आ रही हैं और एक साइड आप ऐसे बैठे हो आराम से। नहीं, ये तो नॉट फेयर, ये तो गलत बात है ना गाइस। भाई, अगर लाइव वगैरह हो आप तो मुंडी वुंडी थोड़ी बहुत हिलाओ, पता चले ना कि लाइव आ गया नहीं आ गया, क्या पता चलेगा मेरे को। एक तो गाइस क्लास का टाइम मैंने देने के बावजूद भी आप लेट हो, प्लीज़ आप लोग टाइम पे आ जाओ देवियों एंड सज्जनों। अब अगर आप आ गए हो तो बता दो, फिर मैं क्लास को स्टार्ट करूँ, नहीं तब तक वेट करता हूँ बैठ के, और क्या करूँ। अगर आप मुझे देख और सुन पा रहे हो ना, तो पहले तो कमेंट वगैरह कर दो ताकि पता चल जाए कि हाँ भाई सब ठीक ठाक है। अब गाइज, ऐसे कैसे काम चलेगा कि आप लोग का कुछ कमेंट वगैरह नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ गड़बड़ चल रही है। अरे भाई, सब कुछ आपको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पहले तो ये बता दो। गाइज, अगर आप मुझे देख पा रहे हो सुन पा रहे हो तो प्लीज़ कुछ कमेंट वगैरह टाइप कर दो, फिर मैं क्लास स्टार्ट करूँ। ओके ठीक है, आप जब तक जुड़ते रहना मैं क्लास स्टार्ट कर देता हूँ। आपका कमेंट का कुछ पता नहीं कब तक क्या आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है पहले उसकी तरफ चलते हैं। आज हम वैसे डिस्कस करेंगे स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है, जिस तरीके आजकल बायकॉट चाइना प्रोडक्ट के बारे में चला है ना कि चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार को, उसी तरीके से हम स्वदेशी मूवमेंट के बारे में डिस्कस अब हम करने वाले हैं। स्वदेशी मूवमेंट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था, थोड़ा बहुत बेसिक अगर ध्यान हो तो, कि भाई हुआ क्या था। मैंने आपको ये बताया था स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कि जब आपका बंगाल पार्टीशन किया गया था 1905 में, तो उसके बावजूद क्या है स्वदेशी मूवमेंट की एक स्टार्टिंग है वो हो गई थी। तो ये थोड़ा बहुत आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि स्वदेशी मूवमेंट है वो किस तरीके से हम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया था। अब लास्ट क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी कि स्वदेशी मूवमेंट के दो पिलर थे, एक पार्ट था वो था क्या बायकॉट, बायकॉट मतलब बहिष्कार करना, वो दूसरा पिलर था इसका वो था कि जो अपनी डोमेस्टिक है स्वदेशी चीज़ें हैं इनको क्या है प्रमोट करना है। प्रमोट किसको करना है? स्वदेशी चीज़ों को प्रमोट है वो करना है। इस तरीके से दो चीज़ें मैंने आपको बता दिया, अगर ध्यान हो तो। आई होप इतना आपको पता होगा, ठीक है, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सब पता है इतना। इसके बाद में हम बात करते हैं। अब देखो, बायकॉट का मतलब क्या था वो मैंने आपको बताया था। बायकॉट का मतलब क्या हुआ, देखा जाए तो एक तरीके से ये नेगेटिव टाइप की पॉलिसी थी। क्यों? क्योंकि बायकॉट का मतलब क्या है कि आप ब्रिटिश से बात करोगी नहीं। तो देखो, आपको पता है कि उस टाइम पे ब्रिटिश क्या थे, स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे थे, तो अगर आप उनसे थोड़ी बहुत भी बातचीत नहीं करोगे तो आपको पता है वो जीने नहीं देंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं चीज़ सही नहीं थी। बायकॉट करके आप काम नहीं चला सकते, कितने लंबे टाइम तक आप बायकॉट करोगे? आप सोच के देखो भाई, आप ऐसे सोचो, उस टाइम पे जो मेन प्रोडक्ट थे वो किसके थे? ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्री क्या थी, खत्म हो गई थी, मतलब हम जो भी सामान यूज़ करते थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश से रिलेटेड था। अब आप एग्जाम्पल ले लो किसी भी चीज़ का, मान लो कपड़े का एग्जाम्पल ले लो, क्लॉथ, कपड़े हम किसके पहने थे? ओबियसली ब्रिटेन के। अब अपने क्या क्या ब्रिटेन के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दिया, इसका मतलब क्या है ब्रिटेन के कपड़े नहीं पहनेंगे। लेकिन गाइस सोच के देखो, ये एक बात 1-2 महीने 2-3 दिन तो चल जाएगी, लेकिन क्या परमानेंट चल सकती है चीज़ बायकॉट करने वाली? नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि कपड़े तो आपको कहीं ना कहीं पहनने पड़ेंगे, वापस नए लेने पड़ेंगे, और नए लोगे तब आपको पता है इंडिया के प्रोडक्ट तो बन ही नहीं रहे हैं,
इंडिया के प्रोडक्ट नहीं बन रहे, इसका मतलब क्या है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, तो आपको अपने आप मजबूरीवश क्या है, ब्रिटिश के प्रोडक्ट यूज़ करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यानी कि बायोकार्ट वाला जो मेथड है ना, वो अकेला काम नहीं करेगा, इसके साथ कुछ और भी हमें करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, दूसरा पिलर इसका जो है क्या, कि हमें जो स्वदेशी चीज़ें हैं जो कि हमारे देश में बनी है मेड इन इंडिया वाली, उन चीज़ों को प्रमोट करना होगा। इन जो हैंडीक्राफ्ट के आइटम है उनको आपको प्रमोट करना होगा, ताकि लोग उनको आराम से यूज़ है वो कर सकें। क्योंकि जब तक लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, विकल्प नहीं होगा, तब तक लोग बायोकार्ट कैसे करेंगे। आज आप देखो इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में क्या है, मेनली चाइना का बहुत बड़ा दबदबा है। तो अगर आप चाइना के प्रोडक्ट को बायकॉट करना चाहते हो, तो आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए ना। अब भाई जिस आदमी को लैपटॉप की ज़रूरत हो, फ़ोन की ज़रूरत हो, वो क्या करेगा। आप सोच के देखो कि किसी आदमी को फ़ोन चाहिए 10,000 तक की रेंज में, अब उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है तो मजबूरी पर बेचारा चाइना का फ़ोन लेगा ही लेगा ना। इसका मतलब क्या, कहीं ना कहीं आपके पास एक अल्टरनेटिव होना चाहिए। तो जब आपके पास एक अल्टरनेटिव होगा, एक नया विकल्प आएगा, तब आप क्या कर सकते हो, उस चीज़ को बायकॉट कर सकते हो कि हाँ भाई ठीक है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा ध्यान में यहाँ पर रखना है कि बायकॉट में क्या है। पहली बात तो है कि जो जो बायकॉट है वो, और प्रमोट क्या करना है, स्वदेशी जो प्रमोट है वो करना है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे कि जो अपना स्वदेशी मूवमेंट था, इसका नेचर कैसा था। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके लीडरशिप वगैरह कहाँ कहाँ पर, किसके द्वारा लीडरशिप की गई थी, फिर इसकी लिमिटेशन, इसके इम्पैक्ट क्या है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि आज हम कंप्लीट जो पीएचडी है किस पे, स्वदेशी मूवमेंट पे, वो कर लेंगे। पीएचडी मतलब यूपीएससी के हिसाब से पीएचडी करने का ध्यान रखना, वैसे नहीं करें, यूपीएससी के लिहाज से जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको हम यहाँ पर कम्प्लीट कवर कर लेंगे। आई होप इतना आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। ओके, अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचर की, कि स्वदेशी मूवमेंट का जो नेचर है वो कैसा है। अब देखो नेचर की अगर मैं आपको बताऊँ, तो पहली बात तो क्या है, इंडिया का पहला एक तरीके का मास मूवमेंट है, क्योंकि इसमें बड़े लेवल पर जनता का पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। इससे पहले 1857 का रिवोल्ट हुआ था, लेकिन हमने 1857 की रिवोल्ट में देखा था कि कुछ ना कुछ आपको लिमिटेशन देखने को मिलती है। गाइज एक चीज़ बता दूँ आपको, वो आप है ना, जब भी इस टाइप की मूवमेंट है ना, तो उसमें आप यूज़ करना। देखो जो जो मूवमेंट बढ़ रहे हैं ना, जैसे कि पहले 1857 का रिवोल्ट हुआ है, इसके बाद में और छोटे मोटे रिवोल्ट वगैरह चल रहे हैं, इसके बाद में आपका स्वदेशी मूवमेंट आ रहा है, फिर आपका असहयोग मूवमेंट आएगा, नॉन कॉरपोरेशन, फिर आपका सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट आएगा। इस तरह के जो मूवमेंट की सिक्वेंस है ना, इसमें आपको खुद को पता है कि धीरे धीरे क्या है, मॉडिफिकेशन होता रहेगा। यानी कि पहले जितना जितने लोगों का पार्टिसिपेशन आपके 1857 के रिवोल्ट में होगा, उससे ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ऑब्वियसली स्वदेशी मूवमेंट में मिलेगा। और स्वदेशी से ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा मास पार्टिसिपेशन, वो आपको ओबियसली जो अगर हम बात करें आगे, जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वहाँ पे देखने को मिलेगा, इसके साथ में सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट है वहाँ पे देखने को मिलेगा। यानी क्या है, धीरे धीरे रिफॉर्म आ रहे हैं, तो आप यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हो कि मास जो मूवमेंट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब पहले की तुलना में काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, और पहले की तुलना में क्या है, थोड़ा काम ये ऑर्गेनाइज भी हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइज जो हमें काम यहाँ पे किया जा रहा है। लीडरशिप है वो भी यहाँ पे ठीक ठाक है, ये तो नहीं बोल सकते कि बहुत ही बढ़िया लीडरशिप थी एकदम स्ट्रॉन्ग वाली, लेकिन ये बोल सकते हो कि लीडरशिप है वो अच्छी थी। इसके बाद में ये बता सकते हो कि एक नई डायरेक्शन है, न्यू डायरेक्शन है, वो आपको क्या देखने को मिलेगी इस जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है, यहाँ पे एक आपको नई डायरेक्शन मिलेगी किसके लिए, नेशनल मूवमेंट को। यानी कि भारत के जो नेशनल मूवमेंट थे, राष्ट्रीय आंदोलन थे, उनको एक नई डायरेक्शन ये प्रोवाइड करवाता है। क्यों, क्योंकि इसमें वुमेन का पार्टिसिपेशन पहले की तुलना में ज़्यादा अच्छा है, वुमेन पहली बार फ्रंट पे आके लड़ती हैं इसमें, ध्यान रखना स्वदेशी मूवमेंट में। क्यों, क्योंकि महिलाओं ने भी विदेशी चीज़ें थी उनका बहिष्कार करना शुरू कर दिया। वुमेन जो किचन में खाना बना रही है, उन्होंने क्या कहा कि हम विदेशी प्रोडक्ट हैं उन पर खाना नहीं बनाएंगे, मतलब विदेशी जो भी वस्तुएं हैं उनको अब किचन में यूज़ करेंगे नहीं। तो आप देख सकते हो ना कि वुमेन क्या है, पहली बार फ्रंट पे आके लड़ रही हैं, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि एक नई डायरेक्शन मिली है हमारे नेशनल मूवमेंट को, कि वुमेन है वो फ्रंट पे आके लड़ेंगी। इससे पहले क्या था, वुमेन का पार्टिसिपेशन था, मना नहीं करा कि नहीं था, लेकिन पहले था, लेकिन वो इस लेवल पे नहीं था, वुमेन फ्रंट पे आके नहीं लड़ रही थी, कोई एक दो इक्की दुक्की वुमेन थी जो कि फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन अब क्या है, वुमेन है वो फ्रंट पे आके यहाँ पे आपको लड़ती हुई देखने को मिलेगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि वुमेन का पार्टिसिपेशन है वो फ्रंट में आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। इसके बाद में हर लेवल पे, चाहे लेबर क्लास हो, चाहे आप किसान की क्लास हो, हर एक क्लास पे आप देखोगे वहाँ पे क्या है, पार्टिसिपेशन आपको पहले से अच्छा देखने को मिलेगा। और सब लोग क्या है, विदेशी सामान का बहिष्कार यहाँ पर कर रहे हैं, सब लोगों को दिक्कत आ गई कि भाई विदेशी सामान है, इसका हमें यूज़ है वो नहीं करना है। इसके बाद में आप जा सकते हो कि इस जो मूवमेंट था इसमें क्या था, स्टूडेंट हैं, इसके अलावा जो वुमेन है और भी जो क्लास हैं, इन सब का पार्टिसिपेशन भी आपको देखने को मिलेगा। स्टूडेंट हैं उनका भी आपको ओपन पार्टिसिपेशन यहाँ पे देखने को मिलेगा, स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पे आके ओपनली लड़ रहे हैं। अब क्या है, स्टूडेंट अगर देखो मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं स्वदेशी मूवमेंट में, तो होगा क्या, ब्रिटिशर्स को ये बात अच्छी नहीं लगी। क्यों, क्योंकि जो कॉलेज वगैरह हैं, इंस्टीट्यूट वगैरह, वो किसके हैं, ब्रिटिशर्स के हैं। तो ब्रिटिशर्स क्या कहेंगे, कोई भी इंडिया का मतलब कोई भी स्टूडेंट अगर जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ पाया गया, तो उसको क्या हम बाहर निकाल देंगे, बेदखल कर देंगे।
तो क्या है, इंडिया के लोग क्या कहेंगे, भाई कोई जरूरत नहीं है, आप निकाल लो, आप कौन होते हो निकालने वाले, हम खुद ही चले जाते हैं, हम खुद हमारे एजुकेशन स्कूल वगैरह खोल लेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे, आपकी क्या जरूरत है हमें। यानी क्या है कि लोग निडर हो गए, स्टूडेंट वगैरह हैं वो अच्छे से लड़ाई लड़ रहे हैं पहले की तुलना में, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि लीडरशिप वाला पॉइंट आप बता सकते हो कि लीडरशिप क्या है, आपको यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को मिलेगी पहले की तुलना में, राइट। इसके बाद में ध्यान रखना इसमें रिलीजियस जो सिंबल है, रिलीजियस जो सिंबल हैं इनके द्वारा लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश है वो की गई है। जैसे शिवाजी महोत्सव मनाया गया, इसके बाद में गणपति महोत्सव मनाया गया, शिव पूजा है उसको प्रमोट किया गया, मतलब इस तरीके के जो त्यौहार वगैरह है ना, फेस्टिवल वगैरह हैं, इनको मनाया गया ताकि लोग क्या है आपस में गैदरिंग करें, जब लोग गैदरिंग करेंगे तब उनको आपस में इजीली थोड़ा इजी हो जाता है चीज़ें समझाना, तो इस टाइप के मूवमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात थी कि भाई इस टाइप के मूवमेंट, मतलब जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था इसमें काफ़ी सारी चीज़ें नहीं की गई हैं पहले की तुलना में, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वुमेन का फ्रंट पे रोल था गाइज, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वाले नेचर में ये चीज़ भूलना मत, क्योंकि वुमेन पहली बार फ्रंट पे आके लड़ रही है, इससे पहले वुमेन क्या थी घरों से लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब पहली बार क्या था वुमेन एक्टिव डायरेक्टली सामने आके लड़ रही है, तो ये बहुत बड़ी बात थी उस टाइम की मूवमेंट के हिसाब से, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप स्किप है वो मत करना। अब देखो दो तीन चीज़ें इसमें नेगेटिव भी हैं, खैर वो आप इसमें नेचर में ऐड कर सकते हो। जैसे एक बताऊँ आपको कि जो मुस्लिम है ना, मुस्लिम्स हैं, इनका पार्टिसिपेशन आपको कंपेयर कम मिलेगा पहले की तुलना में, क्यों मिलेगा आपको पता हो तो, स्वदेशी मूवमेंट में क्या था ध्यान हो तो, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि 1857 का रिवोल्ट हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने मुस्लिमों को सप्रेस करना शुरू कर दिया था, लेकिन जब 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था उसमें क्या कह गया, ब्रिटिश को लगा कि यार मुस्लिमों को अब क्या अपन अपने पाले में करके और मुस्लिम वर्सेज हिंदू कर देते हैं ताकि इनमें लड़ाई हो जाए, और जब मुस्लिम अपने अंडर रह जाएंगे, मतलब मुस्लिमों को अब खुश करने की कोशिश करेंगे, तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए क्या करते हैं वो उनको मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं, एक तो जो ढाका बनाया था, ईस्ट बंगाल की बात हुई थी ना, ईस्ट बंगाल की कैपिटल क्या थी, ढाका थी आज की बांग्लादेश की, वो ढाका को क्या कहा कि भाई हम मुस्लिम कल्चर के हिसाब से उसको डेवलप है वो करेंगे, और ये कहा गया कि जो आपका कोलकाता है वो क्या है हिंदू कल्चर के हिसाब से डेवलप किया गया, खुद खुद ने ही फूट डाल दी, मतलब इंडिया के लोगों का कोई कहना नहीं था, खुद ने कह दिया कि भाई कोलकाता है वो क्या है हिंदू वाला एरिया है, यहाँ पे क्या है हिंदू कल्चर को प्रमोट किया जाएगा और ढाका वाले एरिया में मुस्लिम कल्चर को प्रमोट किया जाएगा। अब मुस्लिम जो बेचारे 50 साल से परेशान चल रहे थे, जिनको 1857 के रिवोल्ट के बाद क्या थे ब्रिटिश भगा भगा के मार रहे थे, उनको क्या लगा, अरे यार ब्रिटिश तो हमारे लिए अच्छी बात है, देखो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो क्यों ना मतलब ओबियसली उनके पाले में चले जाएंगे। यानी क्या था, ब्रिटिशर्स हैं वो एक्चुअली मुस्लिमों को अपने पाले में ले आते हैं, अपनी तरफ कर लेते हैं, क्यों कर लेते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि मुस्लिम और फिर हिंदू ये आपस में कॉन्फ्लिक्ट रहे, तो ये आपस में लड़ते रहेंगे तो क्या है ये हम मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो हमसे लड़ाई नहीं करेंगे, हमसे मतलब ब्रिटिशर्स से लड़ाई नहीं करेंगे, और जब ब्रिटिशर्स से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो क्या है ब्रिटिशर्स खुद अपने आप फलते फूलते रहेंगे, इंडिया के लोग आपस में सिविल वॉर करते करते मर जाएंगे, इस तरीके की उनकी प्लान और स्ट्रेटजी है वो आपको देखने को मिलती है। तो क्या था, मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको स्वदेशी मूवमेंट में कम मिलेगा देखने को, क्यों मिलेगा, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने लालच दे दिया उनको क्या कि ढाका को एक रीजनल जो है कल्चरल जो एरिया है उसके हिसाब से डेवलप है वो किया जाएगा, तो वो लोग खुश हो गए, और इसके अलावा उनको दो चार छोटे छोटे रिफॉर्म की बात भी कही गई, मार्ले मिनटो टेक रिफॉर्म के लिए भी कह दिया गया कि भैया हम आपको अलग से रिप्रेजेंटेशन वगैरह प्रोवाइड करवाएंगे आगे, तो वो लोग क्या है वो खुश हो गए, इसलिए मुस्लिम का जो पार्टिसिपेशन है वो आपको कंपेयर टू पहले के मूवमेंट से यहाँ पे कम देखने को मिलेगा स्वदेशी मूवमेंट में, राइट। अब देखो इसके पीछे एक रीज़न और भी है, एक रीज़न ये है मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिलीजियस सिंबल है ना इनका यूज़ किया गया था स्वदेशी मूवमेंट में, जैसे कि आप बताया था शिवाजी महोत्सव बताया था, गणपति महोत्सव, शिव पूजा, गणेश पूजा, इस तरीके की। अब आप खुद सोच के देखो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुस्लिमों को पीछे लेके जाएंगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है हिंदू धर्म को आप प्रमोट कर रहे हो, इसीलिए क्या है कुछ जो मुस्लिम थे वो क्या इसी से पीछे हट गए कि नहीं यार हम इसमें स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये हिंदू का मतलब हिंदू का मूवमेंट है, तो इस तरीके से क्या है पार्टी मतलब थोड़ा बहुत डिवाइडेशन आपको हिंदू मुस्लिम में यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि जो फार्मर थे ना, फार्मर्स किसान, इनका रोल भी आपको क्या है थोड़ा कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये मूवमेंट है वो किसानों तक तो पहुंच नहीं पाया था ढंग से, किसानों को बेचारे को पता ही नहीं चला था, जिस लेवल पे पहुंचना चाहिए था ना उम्मीद की गई थी उस लेवल पे मूवमेंट है वो नहीं पहुँच पाया था, क्यों नहीं पहुँच पाया था वो आपको धीरे धीरे भी आगे समझ में आ जाएगा। तो अभी ये ध्यान रखना कि फार्मर्स हैं उनका रोल इतना ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगा, मुस्लिम का पार्टिसिपेशन पहले से कम है, क्यों, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या है हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके ब्रिटिशर्स ने मुस्लिमों को अपने पाले में कर लिया है, अपनी तरफ कर लिया है, कम्युनल एंगल है वो बढ़ गया, मैंने आपको बताया कि गणेश पूजा, शिव पूजा, शिवाजी महोत्सव ऐसी चीज़ें चल रही हैं, तो ऑब्वियसली मुस्लिमों को यहाँ पर दिक्कत है वो आने वाली है, तो ये चीज़ें आप पॉइंट है वो नोट डाउन कर लेना। आई होप इतने सारे पॉइंट आपके गाइस क्लियर हो रहे हैं।
अब हम चलते हैं आगे। अब आगे हम बात करेंगे लीडरशिप की, कि लीडरशिप कैसी थी। देखो लीडरशिप की अगर मैं आपको बात बताऊं तो लीडरशिप में आप ये ध्यान रखना, ये चीज़ें नोट डाउन, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप के इफेक्ट कौन कौन से हैं ये आपको याद है वो रखने, पीटी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कहाँ कहाँ पे कौन था, तिलक की बात करें, तिलक साहब प्लस उनकी जो पुत्री थी डॉटर, वो कहाँ पे लीड कर रही थी स्वदेश मूवमेंट को, महाराष्ट्र में। तो ये चीज़ें आपसे यूपीएससी में एसडी फॉलोइंग वगैरह में पूछ सकती है। इसके बाद में आप नोट कर सकते हो अजीत अजीत सिंह, और इसके साथ लाला जी, लाला लाला जी मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय की बात यहाँ पे की जा रही है। वो कहाँ पे कर रहे थे, पंजाब प्लस यूपी वाले एरिया में। तो ये आपसे यूपीएससी में एसडी फॉलोइंग में पूछ सकती है। नेक्स्ट आपको बताना है हैदर खान, हैदर खान कहाँ पे कर रहे थे लीड, दिल्ली में, राइट। इसके बाद आपको बताना है चिदंबरम, चिदंबरम, और इसी के साथ आपको बताना है सुब्रमण्यम, सॉरी चिदंबरम प्लस सुब्रमण्यम अय्यर, सुब्रमण्यम अय्यर, ये नाम ध्यान रखना। चिदंबरम और जो सुब्रमण्यम अय्यर है ये लीड कहाँ पे कर रहे थे, मद्रास में, साउथ इंडिया में। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, प्रीलिम्स के लिए इफेक्ट हैं चार पाँच, ये आपको प्लीज़ अच्छे से याद रखने हैं। क्या क्या बताया मैंने, तिलक हैं और उनकी पुत्री है वो महाराष्ट्र में लीड कर रही हैं, अजीत सिंह है और लाला लाजपत राय हैं वो कर रहे हैं पंजाब और यूपी वाले एरिया में, हैदर खान है वो लीड कर रहे हैं दिल्ली में, चिदम्बरम और सुब्रमण्यम अय्यर हैं वो लीड कहाँ पे कर रहे हैं, मद्रास में। ये चीज़ आपको याद है वो रखनी है, राइट। इतना क्लियर रखना है। और एक खास चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी स्टार मार्क करके, कि वुमेन ने क्या है इस बार फ्रंट पे आके काम किया है, वुमेन ने क्या है डायरेक्टली कह दिया कि भाई जो भी फॉरेन सामान आप किचन वगैरह में यूज़ कर रहे हो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम किचन में खाना बनाएंगे नहीं अगर आप विदेशी सामान यहाँ पे लेके आ रहे हो। तो इस तरीके का आपको देखने को मूवमेंट मिलता है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये लीडरशिप कहाँ कहाँ पे कौन कौन था ये आपसे यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ सकती है। तो एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, तिलक और उनके डॉटर थी वो कहाँ थी, महाराष्ट्र में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय कहाँ पे थे, पंजाब और यूपी वाले एरिया में, हैदर खान कहाँ पे थे, दिल्ली में, और चिदम्बरम और सुब्रमण्यम अय्यर है ये कहाँ से थे, मद्रास से। देखो इस टाइप के नाम है ना, सुब्रमण्यम अय्यर, चिदम्बरम, इस टाइप के नाम आपको नॉर्मली साउथ में देखने को मिलेंगे। तो ये आप थोड़ा बहुत वैसे भी सोच सकते हो कि कहाँ पे ऐसे नाम है, तो उस बेसिस पे आप एग्जाम में थोड़ा बहुत अटेम्प्ट क्वेश्चन कर पाओगे। इतना क्लियर हो गया। अब आप लाइव हो तब पता चलेगा ना आपको, लाइव तो हो नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या था। अब हम बात करते हैं लिमिट की, लिमिट या लिमिटेशन की, लिमिटेशन कैसी थी यहाँ पर। लिमिटेशन की बात ऐसी है, जैसे मैंने आपको बताई दिया लिमिटेशन में तो पहले ही, कि फार्मर है, फार्मर्स हैं, इनका रोल क्या है, बहुत कम, मतलब फार्मर्स हैं उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम है। इसके बाद में मुस्लिम, मुस्लिम का पार्टिसिपेशन क्या है वो भी हमें कम देखने को मिला, तो ये लिमिटेशन तो रही ना। इसके बाद में आप बता सकते हो कि कम्युनल एंगल, मतलब सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता का एंगल कैसा है यहाँ पर, अच्छा खासा है, मतलब कि कम्युनलिज्म आपको थोड़ी ज़्यादा हावी देखने को यहाँ पर मिलेगी। इसके बाद में आप बता सकते हो कि जो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन है, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन की बात करें तो हमें कम देखने को मिलेगा। क्यों, आपने अभी देखो डिस्कस किया कि मैं आपको बताता हूँ कि जैसे राजपूताना, यानी कि जो राजस्थान का, वो पंजाब का, बहुत सारे ऐसे एरिया थे इंडिया के जिन्होंने क्या है यहाँ पर, मतलब वहाँ पर इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था लोगों को, यानी कि आप देख सकते हो कि लिमिटेशन थी, ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन था काफ़ी कम था। तो आप एक आधा एग्जाम्पल देना कि राजपूताना वाले एरिया में क्या था, आपको ये देखने इस मूवमेंट के बारे में कोई ज़्यादा कुछ था नहीं, तो ऐसे आप एग्जाम्पल पुट कर सकते हो मेंस वगैरह में, राइट। अब हम बात करते हैं और, इसके बाद आपको बताना है कैपिटलिस्ट क्लास का, कैपिटलिस्ट क्लास का मतलब पूंजीपति क्लास। देखो पूंजीपति जो क्लास होती है ना, पैसे वाले लोग होते हैं, उनका मूवमेंट में एक बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। क्यों, क्योंकि पैसे वाले लोगों के पास पैसा होता है, और आपको पता है मूवमेंट में पैसे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे खाना, देखो बहुत सारे खर्चे होते हैं मूवमेंट में, तो आप खुद भी जानते हो, जब भी कोई स्ट्राइक वगैरह होती है तो उसमें क्या कहीं ना कहीं फंडिंग आती है, आपको बता हुआ अच्छे से। तो सेम वो सीधा, जब भी कोई मूवमेंट हो रहा है तो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, कहीं अलग अलग जा रहे हैं, तो उनको खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ तो खर्चा करने वाला होना चाहिए, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है ना, इसका रोल भी कम था। अब आपको पता है जब पैसे ही मूवमेंट पे खर्च नहीं होंगे, स्ट्राइक वगैरह पे खर्च नहीं होगा, फिर भी आप उससे समझो, सबसे बेसिक समझो, आपका जे एंड के है वहाँ पे स्टोन पेल्टर हैं, पत्थर फेंकने वाले लोग हैं, ठीक है, उनको अगर आपने पैसा देना बंद कर दिया, उनके पास पैसे नहीं, आप पैसे नहीं दोगे तो क्यों पत्थर फेंकेंगे वो, ये बताओ, ये तो आपने देखा होगा ना, इस चीज़ के बारे में आपने थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा। ये नहीं कि कहें आपने जो पैसे के सोर्सेज हैं वो लोग इतना इस मूवमेंट से नहीं जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो आने वाली है।
तो ये चीज़ याद रखना कि कैपिटलिस्ट जो लोग थे या कैपिटलिस्ट क्लास का रोल यहाँ पे क्या थोड़ा आपको कम देखने को मिलेगा। तो आई होप इतनी सारी चीज़ आपकी क्लियर हो गई हैं, राइट। ये थी आपकी कुछ लिमिटेशन। अब मैं आपको आगे बताता हूँ क्या डिक्लाइन, कि किस तरीके से डिक्लाइन हुआ और उसके बाद में कैसा इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। देखो डिक्लाइन की बात ऐसी है कि जो आपके मॉडर्निस्ट थे और जो आपके एक्सट्रीमिस्ट थे, इन दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। अब आप सोच के देखो, जो मूवमेंट को लीड कर रहे हैं, मॉडर्निस्ट भी लीड कर रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट भी लीड करते हैं, इन दोनों के अंदर एक लड़ाई होगी। अरे भाई कोई मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, आप कहीं प्रोटेस्ट करने गए और जब आपके जो लीडर हैं वही आपस में लड़ने लग गए, तो क्या खाक रिजल्ट निकलेगा? मतलब क्या है कि जो भी मूवमेंट के लीडर थे ना, उनके अंदर ही आपस में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है, तो मूवमेंट ऑब्वियसली डिक्लाइन होना ही है। एक यूनिटी वाला माहौल ही नहीं है खुद के अंदर ही, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। कि क्या है, कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं, दो आइडियोलॉजी आ गई थी, उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। अब देखो, जो मॉडर्निस्ट थे और जो एक्सट्रीमिस्ट थे, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट कैसे ज़्यादा है वो आपको थोड़ा बताता हूँ। एक चीज़ तो पॉइंट आप नोट डाउन रखना कि नेचर का इशू है। कौन से नेचर का? बायोकार्ट के नेचर। जो बहिष्कार का नेचर था ना, ये दोनों का अलग अलग था। मॉडर्निस्ट का ये कहना था कि भाई आप चीज़ें बायोकाट करो ना, वो एक लिमिटेशन दे रखो, कुछ कुछ चीज़ें हैं उनको बायोकाट करो, सब तक नहीं फैलाओ। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का कहना था कि हर लेवल पे आपको बायोकाट करना है। जैसे आज है चाइना को, क्या है, हर लेवल पे एक तरीके से बायोकाट करने की कोशिश की जा रही है, कि नहीं भाई चाइना का कोई सामान भी यूज़ नहीं करना है, हमें रॉ मटेरियल भी वहाँ से नहीं लेना। मतलब जितने भी एंगल हैं, हर तरीके से देखा जा रहा है कि चाइना का कोई भी तरीका सामान है वो इंडिया में ना पहुंचे। सामान की नहीं, जितने भी एंगल हैं, इंटरनेशनल लेवल पर भी गवर्नमेंट कोशिश करे कि उसको अलग से अलग थलग रखा जा सके। यानी क्या है, मैं आपको कह रहा हूँ कि जो यहाँ पे बायोकाट का नेचर था, एक्सट्रीमिस्ट का ये कहना था कि भाई हर लेवल पे, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जितना भी हो सके, जितना आपसे पॉसिबल है, उस लेवल पे आप बायोकाट करना शुरू करो। जबकि मॉडर्निस्ट का ये कहना था कि भाई एक लिमिट तक रखो, ज़्यादा आप इस तरह का एक्टिविटी है वो मत करो, ये अच्छी नहीं है। तो एक तो कहें नेचर और बायोकाट है, इस पर लेकर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। क्यों? मैंने आपको भी बता दिया कि एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका क्या मानना था कि भाई एक्सटेंसिव टाइप का है वो, मतलब बायोकाट है वो होना चाहिए। जबकि जो मॉडर्निस्ट थे वो कहते थे कि भाई आपको जो एक तरीके से क्या बोल सकते हैं, एक्सटेंसिव टाइप का जो बायोकाट है वो नहीं रखना है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बैकफायर कर सकता है। एक तो ये चीज़ थी। इसके बाद में एक आप ये बता सकते हो कि जो मॉडरेट थे ना, जो नरमपंथी थे, मॉडरेट का मतलब होता है नरमपंथी और एक्सट्रीमिस्ट का मतलब होता है गरम दल वाले, ये ध्यान रखना। रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी है वो अलग आएंगे, भगत सिंह वगैरह, वो आगे हम डिस्कस करेंगे, उनको यहाँ पे मिक्सअप मत करना। आपको बार बार ये चीज़ पहले भी क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अब हम बात आती हैं आगे क्या कर रहे थे हम डिस्कस, हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्निस्ट की बात में। देखो मॉडर्निस्ट है ना, इनका ऐसा मानना था कि जो स्वदेशी मूवमेंट है ना, इसकी शुरुआत क्यों हुई है, ओब्वियसली बंगाल पार्टीशन को लगे। इसका मतलब क्या है कि मॉडर्निस्ट का मानना था कि भाई जो आपका स्वदेशी मूवमेंट है ना, इसको आप बंगाल तक ही सीमित रखो, बाकी एरिया तक मत फैलो। मतलब इंडिया के बाकी हिस्से में फैलाने की क्या जरूरत है आपको, जहाँ पे मूवमेंट होना चाहिए वहीं पे करो ना, बाकी हिस्से में क्यों लेके जा रहे हो, ऐसा माना था मॉडर्निस्ट का। मतलब मॉडर्निस्ट ये कहना चाहते थे कि जो स्वदेशी मूवमेंट है इसको आप बंगाल तक सीमित रखो, एक लिमिट एरिया तक, दैट इज़ गुड। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का कहना था ऐसे कैसे भाई, बिल्कुल नहीं मानेंगे हम आपकी बात, हम हर लेवल पर कोशिश करेंगे कि इस चीज़ का बहिष्कार किया जाए, और हर लेवल पर ताकि लोगों को बताने की कोशिश करें, मतलब पूरे ऑल इंडिया लेवल पर हमारी कोशिश रहेगी कि सब लोगों को बता पाएँ कि सच क्या है, ब्रिटिश की पॉलिसी कैसी है। मतलब एक्सट्रीमिस्ट लीडर का ये मानना था कि वो ऑल इंडिया लेवल पे इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकें। अब देखो, जो मैंने आपको आइडियोलॉजी पहले बताई थी कि मॉडर्निस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी और एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी क्या थी, एक ध्यान रखना, मॉडर्निस्ट टाइप के जो लीडर थे ना, वो जनता का पार्टिसिपेशन बहुत कम चाहते थे। क्योंकि मॉडर्निस्ट लीडर का ऐसा मानना था कि यार जनता है ना हमारे देश की, अभी पढ़ी लिखी नहीं है, अभी मेच्योर नहीं है, तो जनता को पता नहीं है क्या सच है क्या गलत है। इसलिए वो क्या कहते थे, हम खुद ही लेटर वगैरह है इनके थ्रू लोग, मतलब आपस में बातें वगैरह हैं वो मनवा लेंगे, ये बात थी। क्योंकि उनका कहना था कि जनता भी क्या है भोली भाली है इंडिया की, तो उससे उसको क्या है ब्रिटिश बहला देंगे आराम से, तो इसलिए क्या हमारे जो भी भाई अपनी मेहनत कर रहे हैं वो क्या सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट का ऐसा मानना था कि भाई जनता का अगर पार्टिसिपेशन होगा ना, तो हम अच्छी खासी बार्गिंग करवा पाएंगे। भाई जब जब आपने देखा होगा स्ट्राइक में जितनी ज़्यादा भीड़ होती है ना, उतनी ज़्यादा क्या होती है वो लॉबिंग करवा पाते हैं। तो सेम वही सीन था कि मूवमेंट में क्या है, जनता का पार्टिसिपेशन होगा तो क्या आप अच्छी खासी लॉबिंग करवा पाओगे। और यही वो चाहते थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर कि क्या है, जनता का पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी का जो पार्टिसिपेशन वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा कम्युनिटी पार्टिसिपेट करेगी, उतना ही ज़्यादा क्या ब्रिटिश पे प्रेशर डेवलप कर पाओगे और अपनी बातें वो मनवा पाओगे, राइट। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है।
एक्सट्रीमिस्ट मैंने आपको बता दिया ना कि एक्सट्रीमिस्ट क्या चाहते थे कि स्वदेशी मूवमेंट वो ऑल इंडिया लेवल पे इसको फैला सके, जितना हो सके उतना फैलाओ ताकि जो वो लोगों का गुस्सा है ब्रिटिश के खिलाफ वो और भड़के और कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को सफल करवा पाएँ। ओके, एक पॉइंट होगा। इसके बाद में डिक्लाइन में आपको और चीज़ क्या बतानी है, गोल वाली। अब देखो क्या था, मॉडर्निस्ट क्या मांगते थे, मॉडर्निस्ट का क्या कहना था, मॉडर्निस्ट सिर्फ ये कहते थे कि भाई रिप्रेजेंटेशन वगैरह बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट ने क्या लाके भटक दिया डायरेक्टली, एक्सट्रीमिस्ट ने क्या सपने दिखाए, एक्सट्रीमिस्ट ने सपने क्या दिखाए, स्वराज। अब आपको पता है स्वराज एक बहुत बड़ा वर्ड था उस टाइम पर देखा जाए तो, मतलब ब्रिटिश को आप कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हो। देखो एक्सट्रीमिस्ट का क्या टारगेट था, स्वराज, उनका गोल था स्वराज। अब गाइस आप सोच के देखो, जहाँ जनता को बेचारे को खाने पीने का जुगाड़ नहीं हो रहा था, ब्रिटिश का इतना ज़्यादा प्रेशर था, वो अपना रिप्रेजेंटेशन बनाने की बातें कर रहे थे, वहीं पे एक्सट्रीमिस्ट ने क्या कह दिया, हम आपको स्वराज दिलाएंगे। तो ऑब्वियसली क्या था, इंडिया के लोगों की भी आंखें बाहर आ गई, अरे माई गॉड इतना कुछ है, मतलब हमें स्वराज के लिए लड़ना पड़ेगा, हमें खुद की लड़ाई करनी। यानी क्या है, इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। अब आधे को तो समझ में नहीं है कि स्वराज है क्या, उनको तो लगा कि यार ऐसे कैसे हो सकता है ब्रिटिश को हम बाहर निकाल दें, क्योंकि आधे लोगों को तो बाहर डाइजेस्ट ही नहीं हो पा रही कि स्वराज मिल कैसे जाएगा। उनको तो ये रहेगा कि यार ब्रिटिश हमें इतने साल से एक्सप्लोर करते आ रहे हैं, 100-150 साल तो हो गए इनको, 150 साल तो होने को आई, और अब हमें स्वराज कहाँ से मिल जाएगा। मतलब क्या कहीं ना कहीं थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और कुछ लोगों की यहाँ डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई कि भाई स्वराज मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा वो एक तरीके से आप बोल सकते अग्रेसिव हो गए, लोगों की उम्मीद ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन क्या है, रिजल्ट उतना आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश हैं वो आपको पता है आराम से इजीली इसको सप्रेस कर देंगे, क्योंकि उनके पास पावर बहुत ज़्यादा है। तो लोगों को अंदर ये भी एक आप बोल सकते हो कि मतलब कहीं ना कहीं डिक्लाइन के इफेक्ट में आप इसको ऐड हो कर सकते हो, कि गोल है ना वो बहुत बड़ा रख दिया गया था एक्सट्रीमिस्ट के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं लोग पचा नहीं पा रहे थे उस चीज़ को। इसके बाद आप बता सकते हो कि जब सूरत स्प्लिट हुआ था आपका, कब हुआ था, 1907 में, 1907 में जब सूरत स्प्लिट हुआ तो क्या हुआ था, आपका मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट वो क्या हो गए थे, अलग अलग हो गए थे, दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा हो गया। अब क्या है, दोनों ऑफिशियली अलग अलग बन गए, मॉडर्निस्ट अलग हो गए, एक्सट्रीमिस्ट क्या अलग हो गए। अब आप सोच के देखो, कुछ लोग जो मॉडर्निस्ट को फॉलो कर रहे थे, कुछ लोग जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर को फॉलो कर रहे थे, जब उन्होंने देखा कि यार अपने जो लीडर हैं, अपने जो गुरु हैं, वही आपस में जूते चप्पल मारे एक दूसरे को, वही आपस में लड़ रहे हैं, तो खाक क्या हमें आज़ादी दिलाएंगे। भाई ऑब्वियसली फ़र्क तो पड़ता है ना, जब आपका लीडर हो, जो भी आपको लीड कर रहा हो, वो आदमी ही अगर गलत हरकतें कर रहा हो तो आप उसको फॉलो करोगे क्या, सोच के देखो, कभी फॉलो नहीं करोगे, कभी फॉलो नहीं करोगे। भाई सबके साथ ऐसा होता है कि जब आपका जो लीडर है, जिसको आप एक तरीके से मतलब फॉलो कर रहे हो, उस जिस भी इंसान को, अगर वही गलत एक्टिविटीज़ कर रहे हो, तो आप उसको डायरेक्टली क्या करोगे, अनफॉलो करोगे, क्योंकि आपको पसंद नहीं आएगा कि यार ये आज आपस में लड़ रहे हैं ऐसे चीज़ कुत्तों की तरह, तो फिर हम क्या उम्मीद करें इनसे, मतलब ये खुद बहुत घटिया लोग हैं ना। इसका मतलब क्या था, सूरत स्प्लिट जो हुआ था उसमें मॉडर्निस्ट और एक्सटर्निस्ट में क्या जूते चप्पल चले थे, आपको पता अच्छी खासी, अरे भाई आज जैसे पॉलिटिशियन लड़ते हैं ना, वैसे ही उस टाइम पे लड़े थे वो। आपने देखा होगा जब पार्लियामेंट में क्या मिर्ची जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं, तो बहुत शर्म की बात है ना। तो वैसे ही लीडर लीडर होता है, आपको पता पॉलिटिशियन बड़े हरामी थे, तो वही सीन यहाँ पर था। ये क्या था, जब आपका 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ तो वहाँ पर क्या जूते चप्पल चले, और उसकी वजह से क्या है, जो फॉलोवर थे उनको क्या धक्का लगा कि यार हमारे तो जो लीडर है ना वही किसी काम के नहीं है, हम तो झूठा ही इनको फॉलो कर रहे हैं, हम तो सोच रहे थे कि कुछ ताकतवर हैं, ये तो आपस में ही लड़ रहे हैं आपस में कुत्तों की तरह, तो इसका मतलब गलत बात है, राइट। अब आपको बताया ब्रिटिश को पता चल गया कि अच्छा भाई आपस में लड़ रहे हैं, मतलब इंडिया के लोग मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट क्या इंडिया के तो हैं और ये आपस में लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि जैसे ये दोनों आपस में जितना लड़ेंगे उतना ही क्या है नेशनल मूवमेंट कम होगा, जब क्योंकि आपस में लड़ेंगे तो मूवमेंट क्या खा करने देंगे, और ब्रिटिश यही कर रहे थे। ब्रिटिश क्या है, इनको लड़ाएंगे थोड़ा बहुत, कभी इनको सुलगा देंगे थोड़ा बहुत, कभी एक्सट्रीमिस्ट को सुलगा देंगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाना जारी रखते हैं। इन्हें क्या है, ब्रिटिश है वो इजीली बाद में इसको क्या है सप्रेस कर देंगे, क्यों, क्योंकि मॉडर्निस्ट और एक्सट्रीमिस्ट दोनों अलग अलग हो गए, और मुस्लिम है वो अलग ही हो गए। तो इस तरीके आप देखोगे इंडिया में क्या मोटे मोटे 3-4 ग्रुप बन गए। अब इस तरीके से अलग अलग ग्रुप बन जाएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कराए, और ब्रिटिश क्या है अकेले हैं, तो वो तो आराम से हटा देंगे इनको, इसीलिए क्या है कहीं ना कहीं डिक्लाइन है वो आपको देखने को मिलेगा। एक आप इसमें बता सकते हो डिक्लाइन में, कि जो हिंदू आइडियोलॉजी थी इसका थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया था, ये मैंने आपको भी बताया था कि गणेश महोत्सव, शिवाजी महोत्सव, इस तरह की पूजा वगैरह की गई थी, तो वो क्या कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की आइडियोलॉजी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करी थी, इसलिए मुस्लिम में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट आ गया। तो कम्युनल एंगल यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, राइट। इसके बाद में खास बात क्या है, अब देखो ब्रिटिश को क्या पता चल गया कि यार अगर एक्सट्रीमिस्ट है ना ये तो बड़े हरामी है, क्यों, क्योंकि ये तो स्वराज की बात करें, मतलब हमें कम्प्लीटली यहाँ से भगाने की बात करें, मतलब ये बात तो ठीक नहीं है। अब ब्रिटिश को लगा कि यार एक काम करते हैं, ये जो मॉडर्निस्ट है ना इनके साथ थोड़ी सिंपैथी दिखाते हैं। जैसे क्या था, ब्रिटिश ने सिंपैथी किसके साथ दिखाई थी पहले, मुसलमानों के साथ। क्या कहा था, आपका बहुत शोषण हुआ है, कोई बात नहीं, अब हम आपको क्या है अलग से नई कैपिटल नया सब कुछ दे रहे हैं, तो आप खुश हो जाओ, तो खुश हो गए। उसी तरीके से ब्रिटिश क्या करेंगे, मॉडर्निस्ट के पास जाएंगे, चुपके से बुलाएंगे उनको, आ भाई इधर आओ,
मॉडर्निस्ट को बोलेंगे क्या चाहिए, मॉडर्निस्ट बेचारा रोता रोता बोलेगा कि देखो भाई हमें तो रिप्रेजेंटेशन चाहिए था, इतने साल से मांग रहे थे, आपने दिया नहीं, जनता भी हमसे बहुत दुखी हो रही है, हमारी सारी पावर वो सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर के हाथ में जा रही है, ये बात उनको बचेगी नहीं। तो ब्रिटिश क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, डरो मत, हम आपका सोल्यूशन करेंगे, हम आपको रिप्रेजेंटेशन देंगे, हम आपको क्या है आपके लिए पार्लियामेंट रिफॉर्म लेके आएंगे, वहाँ पे आपको रिप्रेजेंटेशन बढ़ा के देंगे, बस खुश करें। मतलब क्या है, ब्रिटिश ने लालच दे दिया। अब वो अलग बात है ब्रिटिश ने लालच दे के काम किया नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश की आदत क्या थी कि भाई अब एक बार मोमेंट को दबा दो फिर आगे हम अपना काम निपटा लेंगे, नहीं क्या उन्होंने झूठे वादे के वादे बहला फुसला दिया और मॉडर्निस्ट को क्या अपने पाले में कर लिया। मॉडर्निस्ट को क्या कह दिया कि भाई कोई बात नहीं, आपका जो आप रिप्रेजेंटेशन बनाने की बात करो, मॉडर्निस्ट एक ही चीज़ मांगते थे बार बार कि भाई हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है ना विधानसभा में, विधान परिषद में, इन वगैरह में, इनमें ये आप इंक्रीज करो ताकि हम अपनी सरकार चला सकें। और ब्रिटिश ने क्या कह दिया, हाँ भाई हम आपका इंक्रीज़ कर देंगे, लेकिन वो इंक्रीज़ करेंगे कैसे, उससे इंडायरेक्टली हमारे नुकसान होगा, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये चीज़ थोड़ा समझ के रखो कि किस तरीके से ब्रिटिश हैं वो मॉडर्निस्ट को अपने पाले में करते हैं। अब होगा क्या, मुसलमान है ब्रिटिश के पाले में, जो मॉडर्निस्ट टाइप के लीडर हैं वो किसके पाले में है, ब्रिटिश के पाले में, बचे कौन, एक्सट्रीमिस्ट। अब अकेले एक्सट्रीमिस्ट बचे हैं, ओबियसली आपको पता है क्या करेंगे, अरे एक्सट्रीमिस्ट क्या अभी नए उभर गए हैं, अब एक्सट्रीमिस्ट नए उभर गए हैं तो उनको क्या है कुछ ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो सीधी सी बात क्या है, ब्रिटिश से वो इजीली इनको सप्रेस कर देंगे, ये सीन था। तो ब्रिटिश ने क्या है एक्सट्रीमिस्ट को धीरे धीरे सप्रेस करना शुरू कर दिया। और क्या है 1908 में, 1908 तक आते आते क्या है जो आपका स्वदेशी मूवमेंट था इसका क्या होगा, एंड हो गया। ये सारी स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए, आई होप इतनी सारी चीज़ें आपके क्लियर है वो हो गई हैं। अगर इतना कुछ क्लियर है तो आप मुझे बता दो, नहीं क्लियर है तो बता सकते हो। आज हम इतना डिस्कस करेंगे, अब हम कल डिस्कस करेंगे कि स्वदेशी मूवमेंट के बाद माले मिंटो रिफॉर्म में वो किस तरीके से आते हैं आगे के हैं। तो कल वाली क्लास ज़्यादा थोड़ी लंबी चलेगी, आज तो छोटा सा जो पोर्शन था वो मैंने आपको कवर है वो करवा दिया है। अब हम आगे देखेंगे कि जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वगैरह हैं वो किस तरीके से होंगे, कैसे क्या हैं वो सारी चीज़ें। तो देवियों एंड सजनों ये इतना क्लियर है तो प्लीज़ कुछ कमेंट कर दो ऑल क्लियर वगैरह ताकि मैं समझ जाऊँ, अदरवाइज़ नहीं करोगे तो भी कोई मनाही तो है नहीं, आपको फोर्स तो है नहीं। देखो क्या होता है,